हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया गया है। वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी के द्वारा पुलिस प्रशासन को अलर्ट करते हुए आप देख सकते हैं, मैं इस समय रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित बॉर्डर पर मौजूद हूं। ये बॉर्डर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है। यहां से होने के बाद ही उत्तराखंड में एंट्री होती है। तो उधम सिंह नगर जिले के जो एसएसपी हैं मंजूनाथ टीसी, उनके द्वारा निर्देशों के बाद में पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बॉर्डर पर जो वाहन एंट्री कर रहे हैं, जो गाड़ी अंदर उत्तराखंड के लिए दाखिल हो रही है, उसकी बारीकी से जाँच की जा रही है और गाड़ी के डिग्गी सहित अन्य सामान की पूरी जाँच की जा रही है कि आखिर व्यक्ति कौन उसमें जा रहे हैं और क्या कुछ कोई अवैध या फिर आपत्तिजनक सामान तो लेकर के नहीं जा रहे हैं। पूरी गाड़ी की जांच करने के बाद ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स मौजूद है और तैनात किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के द्वारा हाई अलर्ट करते हुए जनपद में सभी आने और जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी के लिए पुलिस प्रशासन को कहा था। वहीं उसी के मद्देनजर उधम सिंह नगर का जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है रामपुर रोड स्थित, वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आने जाने वाले वाहनों की एंट्री के दौरान उनकी चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी में हुई हिंसा में इस समय जो सूचना आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि जुमे की आज नमाज भी होनी है और कुछ देर बाद जब 1 से 1.5 बजे के बाद जुमे की नमाज होगी, तो पुलिस प्रशासन इसमें किसी भी तरह से कोताही ना बरते, इसके दिशा निर्देश भी उत्तराखंड के DGP के द्वारा तमाम पुलिस के अधिकारियों को दिए गए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी के पूरे मामले में अपनी नज़र बनाए हुए हैं। किसी भी तरह से अब माहौल ना बिगड़े, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपात बैठक भी उनके द्वारा की गई है। वहीं उधम सिंह नगर जिले के SSP मंजूनाथ TC के द्वारा भी इस पूरे मामले में नज़र बनाते हुए कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बता दूँ, वर्ष 2011 में रुद्रपुर में दंगा हुआ था और हिंसा काफ़ी भड़की थी, जिसमें भी आगजनी जैसी घटना सामने आई थी। तो ऐसा माहौल दोबारा से रिपीट ना हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह से हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन इस समय दिखाई दे रहा है। पुलिस PSC और तमाम जो कंपनी है वो लगाई गई हैं। SSP के द्वारा लगातार निर्देश के बाद वाहनों की आप देख सकते हैं चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। तो बड़ी खबर इस समय मैं आपको रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर से दिखा रहा हूं, जहां पर बारीकी से वाहनों की तलाशी लेने के बाद भी उनको उत्तराखंड में दाखिल होने की अनुमति दी जा रही है। कारण वही है कि जो हल्द्वानी में हिंसा हुई है और हिंसा ना भड़के, उस पर रोक लगाई जा सके, इसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है बॉर्डर पर और उसके बाद लोगों की जो गाड़ी है उनको उत्तराखंड में अनुमति दी जा रही है आने की। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में गुरुवार की शाम को हुई हिंसा के बाद उधम सिंह नगर जनपद में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, हल्द्वानी में जहां हिंसा के बाद प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं जहां संवेदनशील जो क्षेत्र था, जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर प्रशासन के द्वारा देखते ही गोली मारने के भी आदेश पारित कर दिए हैं। वहीं उधम सिंह नगर जनपद में भी कोई शांति व्यवस्था बाधित ना करे, इसको देखते हुए उधम सिंह नगर जनपद पुलिस प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय उधम सिंह नगर जिले के जो SSP हैं मंजूनाथ TC, उनके कैंप कार्यालय के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पुलिस प्रशासन की SSP मंजूनाथ TC के द्वारा रात से ही कई दौर की मीटिंग की गई है और जनपद में पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट किया गया है। इस दौरान आप देख सकते हैं, SSP मंजूनाथ TC के कैंप कार्यालय के बाहर काफ़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और उधम सिंह नगर जनपद में किसी भी तरह से कोई शांति व्यवस्था भंग ना करे, इसको देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। SSP मंजूनाथ TC का कहना है कि जनपद में जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त PSC और खुफिया विभाग जो LIU है उसके कर्मियों को भी लगाया गया है, ताकि कोई किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग ना करे और कोई किसी तरह से षड्यंत्र ना करे। और क्या कुछ चल रहा है जनता के बीच, वो भी खुफिया विभाग LIU की जो टीम है वो पूरी रिपोर्ट SSP मंजूनाथ TC को कर रही है। जिस तरह से हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार के द्वारा पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे और अब जनपद के जो उधम सिंह नगर जिले के जो SSP हैं उनके द्वारा भी अपने जनपद के पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए उनके साथ बैठक करते हुए हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए
पुलिस फोर्स तैनात है। उनका कहना है कि जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह से असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है उधम सिंह नगर जनपद में भी, और जिस तरह से हल्द्वानी में हिंसा हुई है उसके बाद में उधम सिंह नगर जनपद पुलिस फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें मामला जो है वो धार्मिक था, समुदाय से जुड़ा हुआ था, जहां पर टीम गई थी अतिक्रमण हटाने, और वहां से अतिक्रमण हटाने के दौरान ही टीम पर हमला हुआ था। अब पुलिस प्रशासन के द्वारा उधम सिंह नगर जनपद में भी कोई घटना, कोई वारदात ना हो, इसको देखते हुए हाई अलर्ट किया गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। जो चौक और जो चौराहे हैं उधम सिंह नगर जनपद के, उन पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी असामाजिक तत्व एक्टिव ना हो पाए। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा रात से ही अपने आवास पर और अपने कार्यालय में कई मीटिंग की गई है अधिकारियों के साथ, और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए थे, और अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे।